साथियों नमस्कार। कल्पना कीजिए कि यदि मधुमक्खियाँ ना हो तो हम मानवों पर इसका क्या असर पड़ेगा। जी हाँ साथियों, अभी पिछले दिनों ही मधुमक्खियों को पृथ्वी पर उपस्थित अत्यंत आवश्यक प्राणी घोषित किया गया है और कहा गया है कि यदि इस छोटे से प्राणी का अस्तित्व नहीं बचाया गया तो मानव का अस्तित्व और जीवन भी खतरे में पड़ सकता है। और इसके महत्व के बारे में महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा कई वर्षों पहले कही गई इस बात का जिक्र भी किया जाता है। जैसा कि उन्होंने कहा था कि इफ द बीज डिसअपीयर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ मैन वुड हैव नो मोर देन 4 ईयर्स लेफ्ट टू लिव। अर्थात यदि पृथ्वी पर मधुमक्खियां ना हो तो मानव का अस्तित्व 4 वर्षों से अधिक नहीं रह पाएगा। हालांकि कुछ लोग इसके बारे में विरोधाभासी भी है कि आइंस्टीन ने ऐसा कुछ नहीं कहा था, लेकिन इस बात को अलग रख दें तो कुछ विशेषज्ञों का इसके बारे में तर्क बिल्कुल अपनी जगह सही है। जैसा कि उनका मानना है कि यदि मधुमक्खियां नहीं होगी तो मानव जीवन का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। और इसके पीछे उनके द्वारा दिए जाने वाले तर्क को समझने से पहले आइए समझते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन अर्थात पराग कणों के ट्रांसफ़र या स्थानांतरण की प्रक्रिया क्या होती है। जैसा कि बातों से ही शब्दों से ही स्पष्ट हो रहा है साथियों, क्रॉस यानी इधर से उधर करना, पॉलिनेशन यानी पराग कण जो होता है निषेचन की प्रक्रिया में, यानी एक फूल से दूसरे फूल पर कुछ कणों को ले जाने की प्रक्रिया को क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। फूलों में भी दो तरह के होते हैं, नर फूल और मादा फूल। तो ये जो नर फूलों के कण जब मादा फूलों तक पहुंचते हैं तो वहीं से ही उन फूलों से फल बनते हैं, सब्जियाँ बनती हैं, कुछ खाद्य पदार्थ जैसे काजू बादाम वगैरह इस तरह के जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनका प्रोडक्शन यानी उत्पादन होता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है इसे ही पॉलिनेशन अर्थात परागण कहा जाता है। तो इस प्रक्रिया में इन विशेषज्ञ का मानना है कि ये जो मधुमक्खी है, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे कि एक फूल से दूसरे फूल पर, दूसरे फूल से तीसरे फूल पर इस तरीके से बैठ रही है, तो उनके पैरों में और शरीर पर जब इनके कण चिपकते हैं और दूसरे अगर वो नर फूल के कण हैं तो मादा फूल तक ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो इस वजह से उनमें निषेचन होता है और उत्पादन होता है, फल सब्जियां और इस तरह के जो खाद्य पदार्थ हैं वो बन पाते हैं। तो सिंपल सा साथियों कि इस प्रक्रिया में हालांकि कई दूसरे साधन भी हैं, जैसे कि कुछ लोग हाथों से भी इन परागकणों का ट्रांसफ़र करते हैं जो कि प्रैक्टिकली उतना अधिक पॉसिबल नहीं है, और हवा के माध्यम से भी ये परागकण एक फूल से दूसरे फूल पर ट्रांसफ़र होते हैं और कुछ तितलियाँ वगैरह भी इस काम को करती है। लेकिन जितनी अच्छे तरीके से, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि मधुमक्खी उस फूल पर बैठती है और वो कण उसके शरीर और पैरों पर चिपकते हैं और जब दूसरे फूल पर वो बैठ रही है तो उनका ट्रांसफ़र काफ़ी अच्छे से होता है, सफलतापूर्वक होता है, जिससे उत्पादन बढ़ता है। अतः इसी कारण की वजह से कहा जाता है कि यदि मधुमक्खियाँ नहीं होगी तो ये जितने फल सब्जियाँ वगैरह उत्पादित होती है इनका प्रोडक्शन पे प्रभाव पड़ेगा। और कहा जाता है साथियों कि जितने भी भोजन और सब्जियाँ उगाई जा रही है उनमें से 70% से अधिक भोजन और सब्जियों में उत्पादन में इस मधुमक्खी के द्वारा की जाने वाली इस क्रॉस पॉलिनेशन की प्रक्रिया का बहुत ही महत्वपूर्ण हाथ होता है। साथ ही साथियों मधुमक्खी क्रॉस पॉलिनेशन के द्वारा कॉफ़ी के उत्पादन में भी अपनी काफ़ी बड़ी भूमिका निभाती है और कहीं काजू बादाम जैसे ड्राई फ्रूट्स के उत्पादन में भी इसकी काफ़ी बड़ी भूमिका होती है। हालांकि आप यहाँ ये कह सकते हैं कि कॉफ़ी के उत्पादन का मानव जीवन के अस्तित्व से कोई संबंध नहीं है, लेकिन कॉफ़ी के उत्पादन की वजह से जिन लोगों को रोज़गार मिलता है वो कई लोग उसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, क्योंकि ये कई लाखों करोड़ों रुपए की इंडस्ट्री है। तो साथियों न केवल कॉफ़ी के उत्पादन में बल्कि कुछ खाद्य पदार्थों जैसे कि काजू बादाम वगैरह ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो मानव जीवन के पोषण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं उनके उत्पादन में भी इस मधुमक्खी द्वारा किए जा रहे क्रॉस पॉलिनेशन का बहुत बड़ा हाथ होता है। और साथियों केवल भोजन ही नहीं, आजकल ग्लोबल वार्मिंग के चलते जिस तरीके से वातावरण में गर्मी बढ़ी है तो इस बढ़ी हुई गर्मी की वजह से 65% से अधिक महिलाएँ और 75% से अधिक पुरुष सूती यानी कॉटन वस्त्रों का इस्तेमाल करने लगे हैं। अतः ये सूती वस्त्र भी कपास द्वारा उत्पादित होते हैं और उस कपास के उत्पादन में भी इन मधुमक्खियों का ही बहुत बड़ा योगदान होता है।
और साथ ही न केवल मनुष्य जाति बल्कि उन प्राणियों का भी जो ज़्यादातर शाकाहारी भोजन का इस्तेमाल करते हैं, उनका भी अस्तित्व इसकी वजह से खतरे में पड़ सकता है। साथियों, नित प्रतिदिन बढ़ती मानव की आबादी को यदि 70% भोजन की उपलब्धता में दिक्कत हो जाएगी, तो आप कल्पना कीजिए कि उनके भोजन, उनके कपड़े, उनके पशुओं के लिए भोजन इत्यादि की जो व्यवस्था है, उसमें कितना स्वाभाविक रूप से फर्क पड़ेगा। और साथ ही इन मधुमक्खियों की वजह से हमारे देश में तो इसका थोड़ा चलन कम है, लेकिन विदेशों में जितने भी ये जो पॉली हाउस होते हैं, उनमें उत्पादन को बढ़ाने के लिए इन मधुमक्खियों को वहाँ पाला जाता है, उनका उपयोग किया जाता है, जिससे कि वो इस क्रॉस पोलिनेशन की प्रक्रिया को वहाँ पॉली हाउस में कर सके और उनका उत्पादन जितनी भी सब्जियाँ वगैरह, खीरा काकड़ी है, ये जो कैप्सिकम वगैरह होते हैं, ये बोए जाते हैं, उनका उत्पादन कई गुना बढ़ता है। तो साथियों, कई देशों में मधुमक्खियों पर किए गए सर्वे में यह बात निकल कर सामने आई है कि प्रति वर्ष मधुमक्खियों की संख्या घट रही है। अतः हम मानवों को इन्हें बचाने के लिए और इनकी संख्या को बढ़ाने के लिए कुछ उपाय और कुछ कार्यों को नहीं करने की ज़रूरत। यदि इनके अध्ययन रिपोर्टों को देखें तो इनके मुताबिक मधुमक्खियों की संख्या घटने के कुछ कारणों को उन्होंने पहचाना है। इनमें से जो प्रमुख कारण है वो इस प्रकार है कि मानव ने अपने अन्य खाद्य पदार्थों के उत्पादन बढ़ाने हेतु जिस तरीके से अंधाधुंध रासायनिक खादों और कीटनाशकों का प्रयोग किया है, तो इन कीटनाशकों में से कुछ कीटनाशकों में एक पदार्थ होता है जिसके संपर्क में इन मधुमक्खियों के आने से इसका उस पर प्रभाव पड़ता है और वो अपने घर का रास्ता भूल जाती है। इस सदमे की वजह से उनकी कुछ समय में ही मौत हो जाती है, अतः उनकी संख्या धीरे धीरे घट रही है। अतः इन विषय विशेषज्ञ का कहना है कि जहाँ तक हो सके मानवों को रासायनिक खादों और कीटनाशकों के प्रयोग से बचकर ऑर्गेनिक यानी जैविक खादों और कीटनाशकों के प्रयोग को ही अपनाना चाहिए। साथ ही साथियों, इन विषय विशेषज्ञों ने सर्वे में यह भी पाया कि कीट मधुमक्खियों के अस्तित्व पर एक अन्य जो सबसे बड़ा खतरा है वह है पैरासाइट कीट, यानी कि जो परजीवी कीट होते हैं वो कीट इन मधुमक्खियों के कॉलोनियों में आ जाते हैं और ये मधुमक्खियाँ जहाँ होती है वहाँ पर ये उन्हें अपना भोजन बनाते हैं। कीट होते हैं परजीवी कीट, उसके खून को चूसते हैं और इसकी वजह से मधुमक्खियों के उड़ने की यानी उनके पंखों पर इसका प्रभाव पड़ता है और उनके पैरों पर इसका प्रभाव पड़ता है, जिससे उसकी मधुमक्खियों की कॉलोनियों के कॉलोनियाँ साफ हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। अतः जितने भी मधुमक्खी पालक है उन्हें इस रोग को, इस परजीवी को पहचान कर उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, जिससे कि इनकी संख्या अधिक ना बढ़े और मधुमक्खियों के अस्तित्व को खतरा ना हो। साथ ही उनके शहद का भी उत्पादन बढ़े और जब मधुमक्खियाँ रहेगी तो उनके आसपास जितने भी फल सब्जियाँ वगैरह होगी उनका उत्पादन भी इस क्रॉस पोलिनेशन के द्वारा बढ़ेगा। अतः साथियों, मधुमक्खियों के बचाने के लिए हमें लोगों में इसके प्रति जागृति को भी बढ़ाना होगा, लोगों को अवेयर करना होगा, क्योंकि अभी तक अधिकतर लोगों का ये मानना है कि मधुमक्खियाँ तो केवल शहद का ही उत्पादन करती है, वो और हमारे क्या काम आती है। अतः जब इस तरह के वीडियोज़ और इस तरह की सामग्री आपको जहाँ भी मिलती है, आप उनका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें ताकि लोगों में मधुमक्खियों के प्रति जागृति आए और उनकी संख्या को घटने से बचाया जा सके। साथ ही इस तरह की अवेयरनेस से ये बातें जब सरकारों तक जाती है तो हो सकता है कि जितने भी इस तरह के कीटनाशक प्रयोग में आ रहे हैं जो कि मधुमक्खियों के लिए नुकसानदायक हो, उनके ऊपर भी वो विचार कर सकते हैं और हम मधुमक्खियों के अस्तित्व को बचा सकें, जो कि मानव के अस्तित्व को बचाने का एक बहुत बड़ा आधार है। तो साथियों, वीडियो थोड़ा सा लंबा था, आपने यहाँ तक देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद एवं आभार। मिलेंगे जल्द ही अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए सर्वे जना सुजना भवन्तु, सर्वे सुजना सुखिना भवन्तु, स्वस्ति।